Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you are already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Yusra and I am leader of my group. Our topic is conduct disorder. Now, what is conduct disorder? Conduct disorder एक ऐसी mental illness है जिसमें बच्चे का behavior जो है वो socially acceptable नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो society के जो rules है ना वो उन्हें follow नहीं करता. ठीक है, इसके सिवा वो ये क्या क्या करता है कि वो बहुत ज्यादा आग के साथ खेलता है, वो बहुत रूड रहता है, वो हर किसी के साथ रूड रहता है, वो नाइफ्स को बहुत ज्यादा यूज करता है. अगर हम बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स में हमारे पास जो है वो टाइप्स जो है इसकी वो एज पे करेक्टराइज की गई है, एज के मुताबिक की गई है. जो हमारी पहली टाइप है वो आ जाती है चाइल्डहुड ऑनसेट. ये उन लोगों को होती है जो बच्चे भी 10 साल से नीचे होते हैं, उनकी कम एज होती है वो इनकी होती है. फिर आ जाता है एडोलसेंस ऑनसेट जो कि टीनेजर्स का होता है, क्योंकि टीनेजर्स को अगर ये डिसऑर्डर हो रहा है. ठीक है, और जो लास्ट है हमारी स्टेज वो उसमें ये है कि वो अनस्पेसिफाइड होती है, अनस्पेसिफाइड ऑनसेट उसका नाम है. इसमें ये होता है कि आपको ये बात पता नहीं होती कि कब सिम्टम्स शुरू मतलब शो होना शुरू हुए, वो मतलब फैमिली को पता नहीं चलता या वो हम करेक्टराइज इस बात को कर पाते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं इनकी कॉजेज की. कॉजेज जो है वो एज सच अगर देखा जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉज होती है इस डिसऑर्डर की वो आ जाती है अगर आपके ब्रेन के जो है फ्रंटल लॉब को अगर वो डैमेज हुआ है, क्योंकि फ्रंटल लॉब जो है वो हमारे जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो उनको हैंडल करता है. तो अगर उसमें किसी किस्म का अगर वो डैमेज हुआ है, अगर वो किसी भी तरह से कोई एक्सीडेंट वगैरह से, तो उससे क्या होगा कि आपको कनक डिसऑर्डर हो जाएगा, आपके अंदर वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे. अगर हम इन्वायरमेंटल लिहाज से बात करें तो उसमें ये होता है कि अगर बच्चे को बहुत ज्यादा अब्यूज किया जा रहा है, या अगर उसकी फैमिली का मतलब फैमिली के साथ काफी इश्यूज चलते रहते हैं फैमिलीज में, या फिर अगर ऐसे एक पॉवर्टी है, ये बातें जो है उसको जो है बहुत ज्यादा तंग करती हैं, जिसकी वजह से उससे कंडक्ट डिसऑर्डर हो जाता है. थैंक यू. और अगर तुमने ये सारी बातें टीचर क्या अपनी मम्मा को बताई ना, तो फिर देखना मैं तुम्हें स्कूल की छत से धक्का दे दूँ. फिर जो तुम्हारा होगा ना, और मैं तुम्हें बता मैंने ले ली है, ले ले. उसके बाद हिम्मत कैसे हुई? ये मेरी साइड है, तुम पहले कैसे चढ़? मैं तो आपको बस कहा था कि आप ले ले. सामने आयशा बैठी है, अभी बताती हूँ. मेरी आइसक्रीम खाई थी ना, क्या बताती हूँ तुम्हें, मेरी आइसक्रीम खाई थी. ना करो ये, ना करो. क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, चुरी के साथ खेल रही हो ना, तो पहले भी खेलती हो ना? नहीं, चुरी दिखाओ मुझे, इधर दो, जाओ यहाँ से. मैं मामा को जाके बताती हूँ, इधर आओ.
दस दिन हो गए फिर बच्ची नहीं आई, कहाँ रह गई है, कहाँ भी था। एक दफा पहले भी इस तरह बाहर निकली थी लेकिन जल्दी आ गई थी, आज तो उसने इस दफा तो इसने इतने दिन लगा दिए, पता नहीं कहाँ रह गई। अम्मा तो मुझे बहुत याद कर रही होंगी, कैसे घर जाऊँ, उनको कॉल करूँ? नहीं, वो तो बहुत डांटते हैं, उन्होंने तो मुझे मना किया था, मगर अब क्या करूँ, कैसे घर जाऊँगी मैं। अम्मा का शुक्र है। आपका क्या हाल है? बताओ बेटा क्या नाम है आपका? रुमा। रुमा बेटा ऐसे नहीं बात करते। रुमा शहबाज। क्या इशू है इसके साथ? डॉक्टर कुछ अरसे से बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है, बहुत रूड है। सॉरी डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, इसका काफी रूड एटीट्यूड है और बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है सबके साथ। डॉक्टर मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आपके पास जाऊँ साइकोलॉजिस्ट। नो बेटा, साइकोलॉजिस्ट के पास है तो मैं इसलिए आई हूँ। तो ये बहुत ज्यादा बदतमीजी करती है और वेपन्स का भी इस्तेमाल कर रही है। डॉक्टर साहब ये भाई नेबर्स में के पास। नो बेटा नो, नहीं कोई बात, कोई मसला नहीं, ले लो बेटे आप कहीं चलिए, ये लो डॉक्टर साहब, कोई मसला नहीं, ना करें आप कुछ कैसे। ये अपने बहन भाई के साथ भी बहुत बदतमीजी कर रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, नेबर्स में जो उनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी, तो उसका इस्तेमाल करती है और ये नाइफ्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही है डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं तो बहुत परेशान हूँ किसी के साथ, इसने इस तरह इतनी अजीब हरकत ये करती है। ये अपने जो बहन है उसका इसने रजिस्टर फाड़ दिया था। अच्छा। उसको आग लगा दी थी उसको। अच्छा जी, और अब मैं नो बेटा नो, क्या इसके नाइन ईयर्स है। तो कब से इसके साथ ही मसला? इसको 1.5 years से। ठीक है, तो मतलब ये आग के साथ खेलती है? आग के साथ तो बहुत ज्यादा, मैंने आपको पता है कि रजिस्टर को आग लगा दी थी इसने, उसकी बहन पढ़ रही थी, स्टडी कर रही थी, इसने उसके रजिस्टर को आग लगा दी थी। और इसने एक दफा नाइफ के साथ अपनी बहन के ऊपर उसको कट भी लगाने की कोशिश की है, उसके फिंगर पे कट लगाया थी, वो किचन का काम कर रही थी, ये पास आई है, इसने नाइफ उससे खींचा और साथ ही उसको कट लगाया। अच्छा, तो मैं बहुत परेशान हुई इसकी वजह से। तो कभी ये घर से बाहर रही हो? घर से बाहर भी ये गई है, इसने मैं किचन का काम कर रही हूँ और ये एकदम मुझे इसकी आवाज़ नहीं आई, खामोशी थी बिल्कुल मुझे। हालांकि मेरा इसका ध्यान होता है इसकी तरफ, ये कहाँ है, क्या कर रही है, कोई नुकसान तो नहीं किसी चीज़ का कर रही, किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रही। तो ये मुझे बताया गया घर से बाहर निकल गई थी और ये एक हफ्ता पूरा घर से बाहर रही है। तो मेरे नेबर्स ने मुझे बता रहे थे कि हम यहाँ की बच्ची को देखा है और डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, तो डाइट कैसी है इनकी? डाइट भी इसकी अच्छी नहीं है, ये कुछ खाती पीती नहीं है, ये बहुत कम खाती है। जब इसको इसके ये बहुत इरिटेट रहती है डॉक्टर साहब, बहुत इरिटेट रहती है, मुझे बहुत इसने परेशान किया हुआ है। जब इसकी मर्जी का खाना ना बनाओ तो तब वो नहीं खाती, फिर ये फेंक देती है, खाना फेंक देती है, बर्तन तोड़ देती है। नो बेटा रुकमा नो बेटा, ये बर्तन तोड़ देती है डॉक्टर साहब, इसको ना खाना पसंद है, ये कुछ इसकी मर्जी के खिलाफ जो होता है ना, ये मुझे बहुत तंग करती है, इसके बाबा जान में बहुत परेशान है इसकी वजह से। आपकी बेटी को जो है वो कंडक्ट डिसऑर्डर है, इनके कुछ सेशंस होंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह ही बेटर हो जाएगी। अभी वीडियो में जो सिम्टम्स दिखाए गए हैं वो हर बच्चे में नहीं पाए जाते हैं। हर बच्चा शरारती होता है, वो शरारते करता है, लेकिन अगर आपके बच्चे में सिम्टम्स सिवियर होते जा रहे हैं, अगर बच्चे की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, आप अपने बच्चे को ना पागल कहना है, ना अपने उसको साइको कहना है, इस तरह वो और ज़्यादा हार्श होगा। आपने सिर्फ उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है, साइकोलॉजिस्ट उसके सेशंस लेगा, उसको ट्रीट करेगा, उसको बहुत जल्द बाकी बच्चों के तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह उसको बिल्कुल ठीक कर देगा।